गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका जीके बुक का पेज नंबर 5 दैट इज पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले पढ़ने से पहले मैं बोलता हूँ कि आज इतने सारे जीके का वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब साइट में, वहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हो, उसको सारे सारे नोट्स बना के याद रख सकते हो, जो कि आपका फ्यूचर में आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा क्लास का आपका। तो आपका तो हम पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा क्लास का जितने सारे, जैसे थर्ड क्लास होगा, फिफ्थ क्लास होगा, सेवन्थ क्लास, जो एट क्लास होगा, उनका जीके में जितने भी पढ़ाया हूँ वो आपका फ्यूचर में बहुत सारा काम में आएगा। तो ये सारे सारे वीडियो को आप देख लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका पर्सनैलिटी ट्रेट। ये एक्चुअल पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होता है ना, आप किसी के पास बैठे हो तो उनको आपका अंदर जो है उसको अंदर ही रहने दो, बाहर उनको ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या बैड स्टूडेंट हो। उनको ऐसे पता चलना चाहिए कि आप गुड स्टूडेंट हो। तो उनके पास ऐसे बिहेव करना चाहिए, वो आपका जितने भी बैड क्वालिटी है उनको पता नहीं चलेगा, अंदर ही रख के मतलब गुड बिहेवियर करना चाहिए। कोई भी इंसान हो, कोई भी आपका रिलेटेड हो, रिलेटिव हो, नहीं तो आपका फ्रेंड हो, टीचर्स हो, पेरेंट, उनके पास क्या करना चाहिए ना, गुड बिहेवियर करना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी ट्रेट, मतलब आपका खुद का पर्सनैलिटी कैसे होना चाहिए दूसरों के पास। पर्सनैलिटी में भी डिफाइंड एज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर। ये आपका थिंकिंग और फीलिंग का और बिहेवियर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। गिव बिलो आर द यूजफुल टिप्स टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी इनटू ए अट्रैक्टिव वन। यहाँ पे कुछ टिप्स दिया है जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट पर्सन को अट्रैक्टिव कर सकते हो। जैसे मैं स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूँ, आपका पड़ोस में कोई दूसरा मतलब पेरेंट्स का स्टूडेंट रह रहा है, उसको कैसे इंप्रेस करोगे ना, आप सब पर रेगुलरली पढ़ना चाहिए, रेगुलरली पढ़ोगे, कुछ भी क्वेश्चन उन्हें पूछेंगे जब भी आंसर दे दोगे, ताकि उनका फीलिंग आपके ऊपर क्या आएगा ना, आप अच्छा पढ़ रहे हो। तो सेमी यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आपका यहाँ पे कुछ टिप्स दिया है उसको फॉलो करके आप कैसे आपका पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हो। जैसे रीड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड कल्टिवेट न्यू इंटरेस्ट। जब आप बुक रीड कर रहे हो, नहीं तो कोई मैगजीन, जैसे मैगजीन के अंदर आपका क्या आता है, किसी का स्टोरी एक आता है, स्टोरी के बारे में पढ़ोगे, स्टोरी पढ़ने से क्या होता है ना, आपको मोटिवेट मिल जाता है, पहले जमाने में कैसे लोग रह रहे थे और अभी कैसे रह रहे हैं, फ्यूचर में कैसे होगा, ये सब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसीलिए सारे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या होगा, अभी क्या चल रहा है कोरोना का, मतलब कितना डेथ हो रहा है, कौन से स्टेट में ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो हमारा इकोनॉमी कितना डाउन हो रहा है, इकोनॉमी और स्कूल कब खुलेगा, इसके बारे में सारे आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको मिल जाएगा। और कल्टिवेट न्यूज, जैसे फार्मिंग के बारे में, नहीं तो आपका कल्टिवेशन और किसको बोल सकते हो, जैसे फेस्टिवल्स हो गया, इसके बारे में आप जान सकते हो। और कीपिंग योर सेल्फ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड। जब किसी को मतलब मिलने के लिए जा रहे हो तो उसी टाइम आपको क्या करना चाहिए ना, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, टाई टाई ब्लेजर लगा के जाना चाहिए, और क्या करना है ना, ग्रूम आपका बॉडी को ऐसे करना है आप जैसे हेल्दी हो, वही टाइप का ऐसे मतलब डिजीज में जैसे 10-15 मंथ बेड से उठ के गए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए जिसको मीट करने के लिए जा रहे हो। और जब मीट करते हो आपका फेस में जितना भी आपका घर का प्रेशर हो, वो क्या करना, उनके पास आप ऐसे बिहेव करना चाहिए, फेस कटिंग ऐसा होना चाहिए, उनको पता नहीं चलेगा। ऑलवेज क्या करना है, जिसको मिलने के लिए जा रहे हो तो स्माइल फेस से मिलना है। उसके बाद यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाइल कम्युनिकेट विद अदर। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब बोलने का स्टाइल, जो बोलोगे उसको पहले से सोचना चाहिए, मैं बोलूंगा ये बात को कुछ माइंड नहीं करेगा, ऐसे सोच के उसके बाद बोलना चाहिए। तो ये होता है मतलब ट्रिक्स होते हैं कैसे आप पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद बोल रहा है कि मीट न्यू एंड डिफरेंट पीपल एंड लर्न टू लाइक विथ ऑल टाइप ऑफ पीपल्स। मीट न्यू एंड डिफरेंट पीपल, जब न्यू पर्सन को मिलते हो उनका लैंग्वेज डिफरेंट होता है। सपोज मैं ओडिशा से आया हूँ, मेरा लैंग्वेज का जैसे बोलने का जो यूपी से वो थोड़ा अच्छा हिंदी बोल सकता है, जो मध्य प्रदेश से सब हो गए उन्हें थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, और जैसे जितना साउथ में चला जाओगे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, वहाँ पे भी हिंदी का प्रॉब्लम इससे मेरा से भी और ज़्यादा होगा, क्योंकि ना उनको अच्छा इंग्लिश आएगा, लेकिन यूपी और बिहार ये मतलब नॉर्थ से जितना साउथ में जाएंगे, उन नॉर्थ में ज़्यादा के हिंदी चलते हैं, इनका इंग्लिश थोड़ा वीक है,
लेकिन हिंदी स्ट्रांग है, साथ में इंग्लिश स्ट्रांग है, क्या होगा हिंदी थोड़ा वीक है, तो इसी टाइप का लर्न टू लाइव विद ऑल टाइप ऑफ पीपल। जब डिफरेंट डिफरेंट पीपल के साथ मिलोगे तो कम्युनिकेशन में थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कैसे बात करो नहीं करो, समझ पाएगा या नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद हैव ए स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। ऑलवेज क्या करना है, मैं पहले से बताया था स्माइल फेस से बात करना है। रिमेम्बर स्माइल कन्वर्ट फोर्स इनटू फ्रेंड्स, मतलब आपका जो दुश्मन है उसको भी स्माइल क्या कर देता है, फ्रेंड भी बना देता है। बी ए गुड लिसनर, किसी का बात जब कोई बात कर रहा है उसी टाइम क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, वो क्या बोल रहा है आपको सुनना है तो उनका बात को कंसंट्रेट करना है, नहीं सुनना है तो उनके पास मत खड़े रहना, बाहर चला जाना, क्योंकि ना आपको सुनना ही नहीं है, आपके उनके पास खड़े रहोगे वो बोलते जाएगा ऐसे ऐसे, हाँ हाँ मान के चलोगे, बाद में कुछ पूछेगा तो आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे, तो ये क्या होता है, गुड लिसनर का एक्टिविटी नहीं होता है। तो उनका बात सुनना है तो अच्छा से सुनना है, गुड लिसनर्स। व्हेन यू हियर समबडी पेशेंटली ही और शी विल टेक केयर ऑफ यू, जब कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्या करना है, सुनना है, पूरा एंड तक सुनना है, बीच में चला जाओगे तो वो क्या होता है, मिसबिहेवियर होता है, तो बीच में नहीं जाना चाहिए, क्या बोल रहा है उसको सुनना है, गुड लिसनर के हिसाब से। और उसके बाद है आपका कम्युनिकेट वेल, लर्न टू यूज करेक्ट वर्ड्स एट करेक्ट टाइम्स, जब भी किसी के साथ बात करते हो मैं क्या बताया, सोच समझ के बात करना चाहिए, तो करेक्ट वर्ड ही वहां पे अप्लाई करना चाहिए, ये होता है। उसके बाद बी पॉजिटिव इन योर बिहेवियर विद अदर्स, यूज काइंड एंड एनकरेजिंग वर्ड्स, मतलब किसी के साथ बात कर रहे हो उससे कुछ आपको पाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तो मोटिवेट करने के लिए वो उसका क्या करोगे, थोड़ा अच्छा बात बोलना चाहिए, तो जब वो मोटिवेट हो जाएगा तो क्या कर सकता है, वो आपके ऊपर इम्प्रेस हो सकता है, तो ये होता है। यूज काइंड एंड एनकरेज वर्ड्स, उनका मतलब सारे सारे अच्छा वर्ड उनके पास ही बोलना चाहिए, जो बुरा वर्ड सुने वो मतलब ये ऐसे था ऐसे था उसको छोड़ दो, वो क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या स्कूल में अच्छा नंबर रख रहा है, ये सब बोले से क्या होगा ना, आपका जो फ्रेंड है उसका मोटिवेट बढ़ जाएगा, वो बोलेगा मेरा तो इम्प्रेस मतलब मेरा क्रेडिट बढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर जो आपका बैड थिंकिंग होगा वो क्या हो जाएगा, चले गायब हो जाएगा। उसके बाद आया गिव रेस्पेक्ट टू ऑल टाइप ऑफ पीपल व्हेन यू मीट देम, बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो इंडिया का एक आप वर्ड सुने हो बस क्या है, क्या है, अतिथि देवो भव, तो इसका मतलब क्या होता है ना, जो भी है जो भी पर्सन होते हैं उनको क्या करना चाहिए ना, रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसीलिए अतिथि देवो भव बोला जाता है इंडिया में, जो भी है हमारा क्या है, वो सारे सारे हमारे लिए गॉड्स होते हैं, सीनियर्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, गॉड्स होते हैं, तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनके साथ मतलब मिसबिहेवियर नहीं करना चाहिए। बस ये था आपका पर्सनालिटी ट्रेड का टिप्स, आप कैसे आपका पर्सनालिटी इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लॉकडाउन के बाद फिर मतलब लॉकडाउन के बाद जब मुलाकात होगा देखा जाएगा आपका पर्सनालिटी कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है और कितना आप सारे सारे पढ़ाई पढ़ाई किए हो और क्या। थैंक यू।